Good morning students, in this lecture 21st of electronics we will discuss the next type of biasing, which is the reverse biasing of a PN diode. So in the previous lecture we have already discussed about forward biasing of a PN diode, where we have connected p-type region of the diode to the positive terminal of the battery and n-type region of the diode to negative terminal of the battery, and in that case the diode was said to be forward biased. So what is reverse biasing and how this reverse biasing it is different from forward biasing? Here in this case the p-type region of the diode it is connected to negative terminal of the battery, and n-type region of the diode it is connected to positive terminal of the battery, and in this case the diode is said to be reverse biased. Now the next question which arises in our mind is that what happens when any diode it is reverse biased. As we know that in case of forward biased diode, when you forward bias any diode its potential barrier decreases, and which further decreases the width of depletion layer. So in case of forward biased diode the resistance of the diode decreases on forward biasing that diode. But what happens when any diode is reverse biased? So in case of reverse biasing the potential barrier increases, which increases the width of the depletion layer in case of reverse biased diode. Now the next question which arises in our mind is that how the width of depletion layer increases or how barrier potential increases. As you all have studied in case of forward biased diode, that in case of forward biased diode because this applied voltage its positive terminal was connected to p-type region, and here you can see because this potential barrier it opposes the further diffusion of majority carriers from n to p and p to n. जो बच्चे आपने सिंपल एक पी एन डायोड किया था उसमें आपने किया था कि ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये कैसे अराइज हुआ, कैसे बिल्ट हुआ, एक्चुअली इसका बिल्टअप कैसे हुआ, कि स्टार्टिंग में क्या हुआ जब आपने पी रीजन और एन रीजन को आपस में ज्वाइन किया, तो इस साइड से बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन इस साइड पे क्या था, इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो मेजॉरिटी कैरियर्स थे, इस साइड पे जो होल्स पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन होल्स पी से एन को डिफ्यूज करना स्टार्ट हो गए और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने स्टार्ट किया डिफ्यूज करना फ्रॉम एन टू पी. तो इसके साथ क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव आयन्स, एंड दीज होल्स दे आर कनेक्टेड टू दे आर बाउंड टू नेगेटिव आयन्स. तो अगर इस साइड के जो होल्स हैं वो इस तरफ को एन साइड को अगर डिफ्यूज कर जाएंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये जो नेगेटिव आयन्स हैं ये ऐसे बिल्टअप हो जाएंगे नियर द जंक्शन. सिमिलरली इस साइड के जब ये इलेक्ट्रॉन्स एन से पी में डिफ्यूज कर गए तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज वर बाउंडेड टू पॉजिटिव आयन्स. तो यहाँ पे क्या होएगा कि ये जो पॉजिटिव आयन्स हैं ये ऐसे ही रह जाएंगे, दीज आर नॉट होल्स दीज आर पॉजिटिव आयन्स. सो इन दिस वे एंड दीज आर इमोबाइल चार्जेस. सो ऑन दिस पी साइड ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बिल्टअप हो जाएगा, एंड ऑन दिस एन साइड ये पॉजिटिव चार्ज बिल्टअप हो जाएगा, और इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होएगा दैट विल बी वी बी एंड विच इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर. अब क्या होएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फर्दर पी साइड डिफ्यूज नहीं कर सकते. क्यों नहीं डिफ्यूज कर सकते, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रिपेल करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को और आने नहीं देगा पी साइड पे. सिमिलरली इन होल्स को ये जो पॉजिटिव चार्ज है ऑन द पॉजिटिव आयन्स जो लेफ्ट आयन्स हैं ये रिपेल करेगा इन होल्स को, तो इस वजह से ये जो होल्स हैं वो पी से एंड डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे. तो इन दिस वे ये जो पोटेंशियल बैरियर था ये बिल्टअप हुआ था,
और ये जो पोटेंशियल बैरियर है एज यू कैन सी दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस पोटेंशियल बैरियर एंड यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग में क्या है क्योंकि पी टाइप रीजन जो है इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज. सो दोनों के देखो जो नेगेटिव टर्मिनल्स हैं दे आर ऑन द सेम साइड. सिमिलरली दोनों के जो पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं दे आर ऑन द सेम साइड. इट मीन्स इस केस में जो अप्लाइड वोल्टेज होगी वो इस पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट करेगी. फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या था कि ये जो अप्लाइड वोल्टेज थी क्योंकि वहां पे इस साइड पॉजिटिव टर्मिनल था अप्लाइड वोल्टेज का, इस साइड पे नेगेटिव टर्मिनल था अप्लाइड वोल्टेज का, तो पॉजिटिव जो नेगेटिव है वीबी का उसे क्या करेगा, अपोज करेगा. सो इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग जो अप्लाइड वोल्टेज थी वो अपोज कर रही थी किसको, पोटेंशियल बैरियर को. बट इन दिस केस जो पोलैरिटी है अप्लाइड वोल्टेज की वो इस टाइप से है, टर्मिनल्स को हमने कनेक्ट किया कि जो ये जो अप्लाइड वोल्टेज है रिवर्स वोल्टेज ये इस पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट करेगी. अगर सपोर्ट करेगी इट मीन्स जब आप इस अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज को रिवर्स बायस को इंक्रीज करोगे तो इसके साथ ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये भी इंक्रीज करेगा. जैसे कि हमने उस केस में किया था कि ये जो वीबी था फॉरवर्ड बाइसिंग में जब आपने अप्लाइड वोल्टेज वी को अप्लाई किया तो ये जो माइनस वीबी था ये क्या बन गया, माइनस वीबी प्लस वी. बट इस केस में ये VB क्या बन जाएगा, माइनस VB माइनस V. मींस ये V जो है इस VB में ऐड हो जाएगा और इस VB को क्या कर देगा, इंक्रीज. सो इन दिस वे जो पोटेंशियल बैरियर है अगर वो इंक्रीज कर गया तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी इंक्रीज कर जाएगी. सो इन दिस वे जो जंक्शन डायोड की रेजिस्टेंस है फॉर रिवर्स बायसिंग में के केस में वो इंक्रीज कर जाती है. सो जंक्शन रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन डायोड इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग इट इंक्रीजेस. और फिर करंट कैसे फ्लो करेगा, क्योंकि मेजॉरिटी करियर्स जो है इस केस में देखो आप ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये क्या करेगा, पी में जो होल्स हैं दीज आर मेजॉरिटी करियर्स, लेकिन ये नेगेटिव टर्मिनल इन पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स और मेजॉरिटी करियर्स को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा. सिमिलरली ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का ये एन रीजन में जो मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा. इट मीन्स जो मेजॉरिटी करियर्स हैं फॉरवर्ड बाइसिंग में वो क्या हो रहे थे, ये जो अप्लाइड वोल्टेज थी ये उन्हें मेजॉरिटी कैरियर्स को रिपेल कर रही थी, जिसकी वजह से वो मेजॉरिटी करियर्स किस साइड को जा रहे थे, टुवर्ड्स द जंक्शन जा रहे थे. बट इस केस में क्या है, जो मेजॉरिटी करियर्स हैं दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन. व्हाई, बिकॉज दे आर फीलिंग अट्रैक्शन फ्रॉम द अप्लाइड वोल्टेज. तो इस वजह से ये भी जंक्शन से दूर मूव कर जाएंगे. सिमिलरली ये जो हैं इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी करियर्स ये भी जंक्शन से दूर मूव कर जाएंगे. तो यहां पे क्या बचेगा आपके पास, नियर द जंक्शन क्या बचेगा, माइनॉरिटी करियर्स. व्हाई, बिकॉज वी नो दैट इन पी टाइप रीजन इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी करियर्स एंड दीज आर कैरिंग नेगेटिव चार्ज, और इनका जो नेगेटिव चार्ज है उनको ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, रिपेल करेगा. सो दीज माइनॉरिटी कैरियर्स दे विल बी रिपेल्ड टुवर्ड्स द जंक्शन इन दिस केस. सिमिलरली माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स दे विल बी रिपेल्ड टुवर्ड्स द जंक्शन इन दिस केस. सो ये जो माइनॉरिटी करियर्स हैं तो फिर ये क्रॉस करेंगे जंक्शन को यहां पे. सो हियर इन दिस केस ऑफ रिवर्स बायसिंग जो थोड़ा बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होगा फ्लो करेगा वो किसकी वजह से फ्लो करेगा, बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन. क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स का नंबर स्मॉल है सो इस केस में जो करंट होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा. लेकिन इसके जब हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेक्टरिस्टिक्स करेंगे तो आप क्या देखोगे कि एक टाइम पे क्या होएगा, अगर आप कॉन्टिन्यूसली इस वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रहे हो तो स्टार्टिंग में क्या होएगा, देयर विल बी नेग्लिजिबल और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट. रिवर्स करंट जो होगा उसकी अमाउंट, उसकी वैल्यू जो होगी वो बहुत ही स्मॉल होगी. लेकिन जब आप इसको कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करते जाओगे तो इसकी एक वैल्यू पे क्या होएगा, एकदम से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो करेगा. व्हाई, बिकॉज आपने इसकी हर एक जो डायोड है उसकी एक लिमिट होती है कि आप उसको उतनी ही वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो दे सकते हो, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज. अगर आपने उस डायोड को उस वोल्टेज के इक्वल या उस वोल्टेज से ग्रेटर वोल्टेज अप्लाई कर दी तो वो डायोड क्या हो जाएगी, ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन का मीनिंग उसमें जितने भी कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो सभी के सभी ब्रेक कर जाएंगे, और जब एकदम से सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक कर जाएंगे तो
यहाँ पे क्या होएगा, वेरी वेरी लार्ज नंबर, लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होंगे. होल्स तो नो डाउट दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द टर्मिनल, बट इलेक्ट्रॉन्स को क्योंकि ये रिपेल करेगा तो एकदम से जो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं तो वो टुवर्ड्स द जंक्शन मूव करेंगे. तो अब आप ब्रेकडाउन में ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स, क्योंकि लार्ज नंबर में प्रोड्यूस हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड इस साइड पे होल्स. सो बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स टू दिस साइड एंड होल्स टू दिस साइड, देर विल बी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट एट द ब्रेकडाउन वोल्टेज, एंड दैट लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट. और इसमें जो पोटेंशियल बैरियर का जैसे हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, तो इसमें क्या शो करोगे आप कि जब आप V रिवर्स बायस अप्लाई करोगे तो वहां पे क्या हुआ था कि जो पोटेंशियल बैरियर था वो VB माइनस V हो गया था. जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वेलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जैसे हमने उसमें किया था फॉरवर्ड बायसिंग में, सो यू कैन डू दैट बाय योरसेल्फ, बिकॉज उसमें जस्ट आपने शो क्या करना है कि जो डिफरेंस है दोनों के कंडक्शन बैंड्स में और दोनों के वेलेंस बैंड्स में, जब आप V वोल्टेज अप्लाई करोगे तो वो VB से माइनस VB से इंक्रीज करके माइनस VB माइनस V हो जाएगा. मीन्स माइनस अगर कॉमन निकालोगे तो VB प्लस V हो जाएगा. सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN डायोड.